हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज आप और हम मिलकर देखेंगे द कराटे किड मूवी के सेकंड पार्ट की कहानी को। इस सेकंड पार्ट में हमें दिखाया गया है कि मिस्टर मियागी किन हालातों के चलते अपने गांव ओकिनावा को छोड़कर यहां कैलिफोर्निया चले आए थे, जो कि लगभग 25 सालों से यहाँ कैलिफोर्निया में ही रह रहे हैं। लेकिन अब अचानक से मिस्टर मियागी को अपने गाँव कैलिफोर्निया जाना पड़ेगा और डेनियल, जो कि मिस्टर मियागी की वजह से कराटे चैंपियनशिप जीत चुका है, वो भी मिस्टर मियागी के साथ उनके गांव ओकिनावा जाएगा। और ओकिनावा के लोग इन दोनों के साथ किस तरीके का व्यवहार करेंगे ये जानेंगे हम इस मूवी की कहानी में। और गाइज, अगर आपने अभी तक इस मूवी के पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, जिसमें डेनियल एक आम लड़का हुआ करता था, लेकिन मिस्टर मियागी ने किस तरीके से डेनियल को कराटे की प्रैक्टिस कराई थी और कराटे चैंपियनशिप का एक विनर बनाया था, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी के पहले पार्ट के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जो कि आपको बड़ी आसानी से मेरे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। और इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए मुझे थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस मूवी की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर इस मूवी के पहले पार्ट की कहानी खत्म हुई थी, जिसमें डेनियल कराटे चैंपियनशिप जीत चुका था और अब डेनियल अपने कोच मिस्टर मियागी के साथ वहाँ से अपने घर आ जाता है। कोच मियागी यहाँ कैलिफोर्निया में अकेले ही रहते हैं, जो कि लगभग 25 सालों से अपने घर नहीं गए थे। डेनियल अगले दिन मिस्टर मियागी के घर आता है, क्योंकि डेनियल की कार को उसकी गर्लफ्रेंड एली ने खराब कर दिया है और अब डेनियल और एली का भी ब्रेकअप हो चुका है। मियागी वहाँ डेनियल की कार को ठीक करने लगते हैं और साथ ही साथ उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम दोनों के बीच में ब्रेकअप क्यों हो गया है, तुम तो एक काफी समझदार लड़के हो, लेकिन एली तो एक नादान लड़की है, इसलिए तुम्हें एली के साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। इस तरह डेनियल को समझाते हुए मिस्टर मियागी वहाँ एक उसे गेस्ट रूम दिखाते हैं, जो अभी तक पूरे तरीके से नहीं बना था, लेकिन उसे मिस्टर मियागी बना रहे हैं। ये देखकर डेनियल यहाँ पर इस गेस्ट रूम को बनाने में मियागी की मदद करने लगता है और उदास होकर मिस्टर मियागी से बोलता है कि मेरी माँ की पोस्टिंग किसी दूसरे शहर में हो गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे उनके साथ जाना होगा। जिस पर मिस्टर मियागी डेनियल से बोलते हैं कि इसमें इतनी टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, इसके बारे में मेरी तुम्हारी माँ से बात हो गई है, अगर तुम चाहो तो इस गेस्ट रूम में रह सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही बन रहा है। ये सुनकर डेनियल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये दोनों वहाँ पर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर मियागी के लिए उनके गांव ओकिनावा से एक लेटर आता है, जिसमें लिखा था कि मियागी के पिता काफी बुजुर्ग हो चुके हैं और उनकी तबीयत काफी खराब है और वो मरने से पहले एक बार मिस्टर मियागी से मिलना चाहते हैं। ये देखकर मिस्टर मियागी काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो अपने गांव जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी डेनियल वहाँ मिस्टर मियागी से पूछता है कि तुमने अपना गांव क्यों छोड़ दिया था, तो मियागी वहाँ अपनी कहानी बताते हुए डेनियल से बोलते हैं कि जब मैं 18 साल का था, तब मुझे यूकी नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। यूकी और मैं एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन यूकी का रिश्ता मेरे बेस्ट फ्रेंड साटो के साथ हो गया था, और जब साटो को पता चला था कि मैं और यूकी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो साटो ने मुझे अपने साथ कराटे फाइट करने का चैलेंज दिया था, लेकिन मैं साटो से किसी भी तरह की फाइट करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं अपना गांव और यूकी को छोड़कर यहाँ कैलिफोर्निया में चला आया था। ये सब डेनियल को बताते हुए मियागी अब एयरपोर्ट के लिए निकलता है, तो डेनियल भी मियागी के साथ ओकिनावा जाने के लिए एयरपोर्ट पर आ जाता है और वो मियागी से बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ओकिनावा चलूंगा। ये देखकर मियागी पहले तो डेनियल को अपने साथ ले जाने से मना करते हैं, फिर बाद में वो मान जाते हैं। और अब जैसे ही ये लोग ओकिनावा एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, तो वहां पर मिस्टर मियागी देखते हैं कि साटो का भतीजा इन दोनों को लेने के लिए आया हुआ है। यहीं डेनियल साटो का एक पोस्टर लगा हुआ देखता है, जिसमें साटो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के दौरान लकड़ी तोड़ते हुए दिखाई दे रहा था। ये देखकर डेनियल मिस्टर मियागी से पूछता है कि क्या तुम भी इस तरीके से एक लकड़ी को तोड़ सकते हो, जिस पर मियागी वहाँ डेनियल से बोलते हैं कि मुझ पर कभी भी लकड़ी ने हमला ही नहीं किया, इसलिए इसके बारे में मुझे नहीं पता।
और अब ये दोनों लोग वहाँ से साटो के भतीजे के साथ जाने लगते हैं। साटो का भतीजा इन दोनों को लेकर एक बंद कमरे में पहुँचता है जहाँ पर साटो पहले से ही मौजूद था, और वो मियागी को देखकर उनसे बोलता है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें सालों पहले फाइट के लिए चैलेंज किया था और तुम डर की वजह से गांव छोड़कर भाग गए थे, लेकिन आज इसका फैसला होकर ही रहेगा। यहाँ मियागी साटो से बोलते हैं कि तुम पुरानी बातों को भूल जाओ और हम अब भी एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। ये बोलते हुए मियागी वहाँ से डैनियल को लेकर अपने घर पहुँचते हैं। यहाँ मियागी अपने पिता को देखते हैं जो कि काफी बुजुर्ग थे और वो कुछ बीमारियों के चलते मरने वाले थे। ये देखकर मियागी वहाँ थोड़े से उदास हो जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि मियागी यूकी से भी मिलते हैं जिससे वो प्यार करते थे। यहाँ मियागी को पता चलता है कि यूकी ने भी मियागी के इंतजार में अभी तक शादी नहीं की है। ये सुनकर मियागी को अपने आप पर काफी गुस्सा आता है, और फिर हम देखते हैं कि मियागी डैनियल को लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो अपने कराटे की प्रैक्टिस किया करते थे। ये सब दिखाते हुए मियागी डैनियल को लेकर अपने गांव की सैर कराने लगते हैं, लेकिन वहां साटो आ जाता है और वो मियागी को फिर से फाइट के लिए चैलेंज करता है। तभी वहां पर यूकी भागते हुए आती है और वो मियागी से बोलती है कि तुम्हारे पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, वो तुम्हें बुला रहे हैं और साटो तुम्हें भी। ये सुनकर साटो और मियागी दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं, तो मियागी के पिताजी साटो और मियागी दोनों का हाथ पकड़ते हुए उन्हें समझाते हैं कि तुम दोनों को अपने आपसी झगड़ों को भूलकर एक दोस्त बनकर रहना चाहिए। ये बोलते हुए मियागी के पिताजी की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, लेकिन वहाँ साटो अभी भी मियागी से बोलता है कि तुम्हारे पास 2 दिन का समय है जिसमें तुम अपने पिताजी का शोक मना लो, फिर उसके बाद हम दोनों फाइट करेंगे। इधर हम देखते हैं डैनियल को जो साटो के भतीजे को पकड़ लेता है, क्योंकि साटो का भतीजा नकली किलो के वजन से सब्जियां बेचते हुए गांव वालों को लूट रहा था। ये बात डैनियल गांव के सभी लोगों को बता देता है और गांव के सभी लोग उससे खरीदी हुई सब्जी को वापस कर देते हैं। ये सब देखकर साटो के भतीजे को डैनियल पर काफी गुस्सा आता है और वो डैनियल से बदला लेने की सोचने लगता है। इधर हम देखते हैं मिस्टर मियागी और यूकी को, जिन दोनों के बीच में अब प्यार बढ़ रहा था, और यहीं डैनियल ने कुमिको नाम की एक लड़की से दोस्ती कर ली थी। कुमिको और डैनियल दोनों जब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी वहां पर साटो का भतीजा आ जाता है डैनियल से बदला लेने के लिए। वो डैनियल को वहां पर बहुत मारता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन डैनियल कुमिको के साथ एक जगह घूमने के लिए जाता है जहां पर बर्फ की प्लेट तोड़ने की कॉम्पिटिशन चल रही थी, और वहां मियागी साटो और उसका भतीजा भी आए हुए थे। तो मियागी वहां डैनियल पर बैट लगाते हुए बोलते हैं कि डैनियल ये सारी बर्फ की प्लेट तोड़ देगा, और दूसरी तरफ से साटो बैट लगाता है कि डैनियल इन बर्फ की प्लेटों को नहीं तोड़ पाएगा। ये सुनकर डैनियल वहां देखते ही देखते उन सारी बर्फ की प्लेटों को तोड़ देता है, और इस कॉम्पिटिशन को वहां जीतकर मिस्टर मियागी को वहां प्राउड फील कराता है। और मियागी वहां डैनियल को बैट में जीते हुए पैसे देते हुए बोलते हैं कि इनमें से कुछ पैसे तुम अपनी पढ़ाई के लिए रखना और बाकी पैसों से हम लोग चाइनीज फूड खाएंगे। फिर हम देखते हैं कि मियागी साटो के पास जाते हैं और वो साटो से बोलते हैं कि तुम्हें पुरानी दुश्मनी छोड़ देनी चाहिए और मैं बिल्कुल भी फाइट करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन साटो यहाँ पर मियागी की ये बात नहीं मानता है, तो मियागी वहाँ डैनियल से बोलते हैं कि अगर मैं साटो से फाइट करते हुए मारा गया तो मेरी कैलिफोर्निया की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी और इस गांव में मेरी सारी प्रॉपर्टी यूकी की हो जाएगी। तो डैनियल वहाँ मियागी से बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। लेकिन उसी रात को हम देखते हैं कि इनके गांव में काफी तेज तूफान आता है जिसकी वजह से इस गांव के सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी मिस्टर मियागी और डैनियल देखते हैं कि साटो एक बड़ी सी लकड़ी के नीचे दब गया है और उसके भतीजे ने भी उसकी मदद नहीं की है। ये देखकर मियागी और डैनियल दोनों साटो की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये लकड़ी काफी भारी थी, ये देखकर डैनियल उसे अपनी ताकत से वहीं पर तोड़ देता है, और ये दोनों इस तरह साटो की जान वहां पर बचा लेते हैं। साटो वहां ये देखकर मियागी से किया हुआ फाइट का चैलेंज वापस लेता है, क्योंकि मियागी की वजह से ही साटो की जान बची है।
इसलिए साटो वहाँ पर मियागी से माफ़ी मांगता है और वो गांव वालों की उन जमीनों को भी वापस कर देता है जिन जमीनों पर उसने कब्जा कर रखा था। ये सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन साटो के भतीजे को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ कुमको के गले पर एक चाकू रखते हुए डैनियल से फाइट करने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि डैनियल और साटो के भतीजे के बीच में वहाँ पर फाइट होती है, जिसमें साटो का भतीजा डैनियल पर काफी भारी पड़ता है क्योंकि वो डैनियल से उम्र में बड़ा था। लेकिन डैनियल वहां साटो के भतीजे से फाइट करते हुए उसे वहां पर हरा देता है। ये देखकर मिस्टर मियागी वहां काफी ज्यादा खुश होते हैं और ये मूवी भी इस तरीके से यहां पर एंड हो जाती है। तो गाइज, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मुझे थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं इस कराटे किड मूवी के तीसरे पार्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।